क्या टिनाइटस की आवाज़ से पैदा हुई दिक्कतें जैसे नींद, कंसंट्रेशन इशू, सर का भारीपन भी ठीक हो सकता है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। नीरज अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। जी सर। और मैं लगभग एक साल से मेरे को ये टिनाइटस का प्रॉब्लम था, ठीक है। और मैंने काफी लोगों को दिखाया, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किया, पर किसी में भी इलाज हो नहीं रहा था। और मैंने सब जगह से मेरे को एक ही रिप्लाई मिला कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है, ये लाइफ टाइम आपको बेयर करना पड़ेगा जी। फिर मैं गूगल पे यूट्यूब पे काफी सर्च कर रहा था, क्योंकि तो रात को नींद नहीं होती थी मुझे अच्छी तरह, तो मैं बहुत हेल्पलेस हो गया था। और फिर मैंने यूट्यूब पे आपका डॉक्टर स्पेक्ट्रा का डिवाइस देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको भी एक ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने आपसे ये डिवाइस मंगाया और फिर मैंने इसका यूज करना शुरू किया। और वीकली कॉल आपके यहाँ से आते थे, आप मेरे को एसिस्ट करते थे कि ऐसे यूज करना है जी। और अभी मेरे को 4.5 मंथ हो गए, आई कैन से कि 80% मेरा क्योर हो गया है। कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है, पर फिर वापिस बीच में 4-5 दिन अच्छा रहता है, एक दो दिन थोड़ा बढ़ जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि 2-3 महीने में पूरा क्योर हो जाएगा मेरा। जी डेफिनेटली सर। सर बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक चीज पूछनी है सर, आपको कुछ आइडिया है आपको ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी? ये मुझे जब मैंने कोरोना की जो वैक्सीनेशन मैंने ली थी कोविशील्ड, उसके नेक्स्ट डे से ही मेरे को आवाज शुरू हो गया। ओके। और जैसे ही आवाज बढ़ा तो मैंने कान के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है। और उन्होंने मेडिसिन मुझे दी थी, विटामिन वगैरह की, और वो 1 मंथ मैंने मेडिसिन दी और मेरा सही हो गया था। Okay. फिर से मैंने जब दूसरा वैक्सीनेशन का शॉट लिया तो फिर से आवाज शुरू हो गया और ज्यादा बढ़ गया। Okay. फिर उसके बाद दवाई ने भी असर नहीं किया बिल्कुल। ओके। तो सर जिससे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप उस क्या अभी आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई क्योर नहीं है, और कहीं जाके पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी तो सब भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ये टिनाइटस का प्रॉब्लम है वो और कहीं सर ना पड़े, सीधा डॉक्टर स्पेक्ट्रा से डिवाइस मंगा ले और अर्लीस्ट में उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो उनको 3-6 मंथ के अंदर उनकी हेल्थ के हिसाब से उनका पूरा क्योर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस? बिल्कुल 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 डालिए। और मैं तो यूट्यूब पे डाल रही हूँ, बाकी मैंने काफी लोगों को, मेरे फ्रेंड जिन लोग को प्रॉब्लम है, बिल्कुल साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस? बिल्कुल 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 डालिए। और मैं तो यूट्यूब पे डाल रही हूँ, बाकी मैंने काफी लोगों को, मेरे फ्रेंड जिन लोग को प्रॉब्लम है, उन लोग को आपका कॉन्टेक्ट भी मैंने दिया है, वो आपको करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।